खडकवासला विधानसभा मतदारसंघावर भारतीय जनता पार्टीचे ऑब्झर्वर निरीक्षक म्हणून कर्नाटक मधले एक MLC प्रताप सिंह नायक या खडकवासला विधानसभा मतदारसंघात निरीक्षक म्हणून आलेले आहेत, त्यांच्याशी आपण बातचीत करणार आहोत। कैसा लग रहा है इधर अभी माहौल खडकवासला में? वैसे तो 14 साल से ये BJP यहाँ जीतते आया है। इस बार मेरा जिम्मेदारी लेने के बाद मैं यहाँ हर जगह गया हूँ, रूरल भी गया हूँ, सबसे प्रभावी लोगों से भी मुलाकात की है, पार्टी का कॉरपोरेटर से भी बात किया है, पार्टी का पदाधिकारी से भी बात किया है और आम लोगों से भी मैं मुलाकात की है। मैंने सब जगह हमारे आमदार अन्ना जी के बारे में बहुत अच्छा विचार है उनका, जो लोगों से मिलने का तरीका, वो जो उनका जो सेवा का जो कार्यक्रम है, वो ये सब उससे भी ज़्यादा प्रगति के दृष्टि से भी उन लोगों ने उन्होंने जो 14 साल से किया है उसका असर हर जगह दिखता है। हर लोग उनके ये विकास के बारे में जो लोग जो काम उन्होंने किया है उसके बारे में अच्छी भावना है और सबसे ज़्यादा वो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल अजात शत्रु है, सबसे एक ही तरह से मिलजुलते हैं, इस वजह से उनके बारे में बहुत अच्छा भावना है और मुझे लगता है इस बार फिर से वो बहुत ज़्यादा मत से, मैं अभी क्या आंकड़ा नहीं दे सकता हूँ लेकिन ज़रूर जीतेंगे। जीतेंगे इस बात का आपने कॉन्फिडेंस ये किया है, लेकिन पिछली बार जो कैंडिडेट उनके अपोजिशन में था वही कैंडिडेट राष्ट्रवादी शरद पवार गुट की तरफ से हैं और दूसरी बात जो है MNS महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे के गुट से मयूरेश वांजळेकर के इधर सामने उनके सामने है, उनको कॉम्पीट कर पाएंगे इस बार? बिल्कुल, हर इलेक्शन में अलग ही माहौल होता है। पिछले 4 साल में महाराष्ट्र में तो सारे देश को हम कंपेयर करें तो बहुत बदलाव यहाँ हुआ है। हर पार्टी को ये इलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट हो गई है, लेकिन लास्ट इलेक्शन में जो सीधा कंटेस्ट था वो इस बार नहीं है। लास्ट इलेक्शन में जो NCP इनसे सीधा टक्कर ली थी, अब NCP में भी दो गुट हो गया है और जो गुट अजीत पवार जी का महायुति में मिल गया है उनका प्रभाव इस क्षेत्र में, उनका कॉरपोरेटर्स भी हैं और रूरल में भी उनका प्रभाव है, उसका फ़ायदा हम एक परिवार बनके अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए महायुति को यहाँ ज़्यादा वोट मिलने वाला है। कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ये इलेक्शन को फेस करेंगे आप लोग, यानी अभी किस मुद्दों पे ये लड़ाई लड़ेगी? एक तो डेवलपमेंट, वो सरकार का योजना जो महिलाओं के लिए वो हर घर पहुंच गया है, उसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलपमेंट के दृष्टि से यहाँ देखे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बदलाव महाराष्ट्र में डबल इंजन का सरकार होने के नाते हुआ है, इस वजह से और केंद्र सरकार की योजना भी नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत को एक स्थानमान सारी दुनिया में एक रेस्पेक्ट मिली है, उस वजह से लोग जानते हैं एक सुदृढ़ नेतृत्व केंद्र में भी है और यहाँ महाराष्ट्र में भी हमारे नेता जो हैं वो शिंदे जी भी हो या अजीत पवार जी हो या BJP का फडणवीस जी हैं, उनके बारे में वो अच्छे काम कर रहे हैं, यही मुद्दा लेके हम जो पॉजिटिव है जो हमने किया है इसलिए हमें और एक मौका दीजिए, इस पॉजिटिव ट्रेंड के साथ हम लोगों के साथ जाएंगे। आज आपने शायद लोकल न्यूज़पेपर देखा रहेगा इधर का,
तो लोकल न्यूज़पेपर में तेलंगाना का कांग्रेस का फुल पेज एडवर्टाइज छपा है, जिनमें कांग्रेस ने क्या क्या योजना की उसके बारे में उन्होंने बात की है, यानी महाराष्ट्र में वो वही योजना करेंगे तेलंगाना वाला, ऐसा उनका कहना है, उसके बारे में क्या कह सकते? बहुत बड़ा फर्क ये है, हम कर्नाटक से, मैं कर्नाटक से हूँ, वहाँ भी इलेक्शन के वक्त उन लोगों ने बहुत 5 गारंटी दी थे, एक भी आज वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, वो अनुष्ठान में नहीं आ रहा है। 6 महीने वहाँ के लोग, मैं समझता हूँ इतने जल्दी चुना हुआ सरकार अपना जनप्रियता खो चुकी है, अब लोग अगर अब चुनाव कर्नाटक में हुआ तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत आएगा और कांग्रेस निश्चित अधिकार से जाएगा, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो करने की क्षमता नहीं रखते हैं। वो हिमाचल प्रदेश में वही हुआ, वो राजस्थान में वही हुआ, वो तेलंगाना में भी वही होने वाला है। उनके पास वो चुनाव के वक्त जो घोषणा करते हैं वो सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए करते हैं, एक बार अधिकार में वो पावर में आ गए तो उसको इम्प्लीमेंट करने की क्षमता उनमें नहीं है, उस बारे में सोचते भी नहीं हैं। लेकिन हमारे जो वो प्रधानमंत्री जो बोलते हैं, उनका जो स्कीम है वो लोगों तक सीधा पहुंचता है, और मध्य प्रदेश में भी जो बोला है वह किया है, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, लाडली बहन हाँ वो योजना, महिला बहुत खुश है, इसका प्रयोजन हमें मिलने वाला है। अच्छा ठीक है, यानी तेलंगाना में फेल्यूर आने वाला है कांग्रेस को, ऐसा आपका कहना है। अभी आप पब्लिक को कैसा अपील करेंगे बीजेपी को वोट करने? महाराष्ट्र का चुनाव देश के भविष्य के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में जो डेवलपमेंट का सिलसिला चल रहा है, अगर केंद्र में मोदी जी का सरकार है उसी हिसाब से यहाँ भी आए तो यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है, रोड का काम चल रहा है, हर क्षेत्र में खड़कवासला में भी यहाँ डेवलपमेंट केंद्र की तरफ से बहुत सा हो रहा है। वो बीच में जब ओपोजिशन का गवर्नमेंट आया तब सब डेवलपमेंट रुक गया, उसके बाद फिर से हमने गवर्नमेंट बनाया, वो फिर वही स्पीड मिला, और हमें विश्वास है ये स्पीड जारी रखने के लिए डबल इंजन का सरकार होना जरूरी है, और महाराष्ट्र में फिर से महायुति का सरकार आएगा। अच्छा ये हिंदी में हो गया, ये आपका जो कर्नाटक का लोकल लैंग्वेज है, जो इधर के कर्नाटक वाले पब्लिक हैं उनको आपके लैंग्वेज में अपील कीजिए, यानी जो हमको नहीं समझेगा लेकिन उनको समझेगा, इसलिए उनके लैंग्वेज में आप अपील करेंगे और आपकी भावना रखेंगे तो अच्छा। कर्नाटक दिंद इल्ली बंदो इल्लिया जनरोट्टिगे वंदागि ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯವರಾಗಿಯೇ ಬಾಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಕನ್ನಡಿಗ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಥವಾ ಮಹಾಯುತಿಯ ಶಿವಸೇನೆ ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ರ NCP ಮತ್ತು RPI ಈ ಏನು ಘಟಬಂಧನ ಇದೆ, ಈ ಏನು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇದೆ, ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಯುತಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಂಧುಗಳು ಮಹಾಯುತಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ.
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तर हे होते आमदार प्रताप सिन्हा नायक आणि त्यांनी त्यांच्या स्थानिक कर्नाटक लैंग्वेज मध्ये कर्नाटकी भाषेमध्ये देखील नागरिकांना आवाहन केले, भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांना, महायुतीच्या उमेदवारांना निवडून द्या। त्यांनी विश्वास व्यक्त केलाय की या सरकारने केलेल्या कामांच्या जीवावर नागरिक त्यांनाच मतदान करतील।